नमस्कार दोस्तों, आज के चरण में बात करने वाले हैं स्पेसिंग एंड जंबोट्रोन। तो यहाँ पे बात करने वाले स्पेसिंग क्या होता है और जंबोट्रोन क्या होता है। एक जो यहाँ पे एक टॉपिक है वो जंबोट्रोन। जंबोट्रोन का अस्तित्व ऑलमोस्ट BS5 में खत्म हो चुका है, लेकिन BS3 और BS4 यूज करते होंगे, उनके लिए तो जानना जरूरी है। तो उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर देंगे और इसका क्या मतलब है वो भी बताएंगे। लेकिन स्पेसिंग क्या होता है ये बहुत मैटर करता है BS5 में, BS3 में, BS4 जो भी आप यूज़ करो, मतलब बूस्टर BS में बूस्टर समझना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिंग। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर थ्योरिकल देखेंगे तो पता चलेगा मार्जिन पैडिंग हमेशा यूज़ होता है, बट हम CSS में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ता है मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट वगैरह वगैरह, मतलब पूरा लिख के उसके बाद कितना देना है, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 16 पिक्सल, 20 पिक्सल, इस हिसाब से आप सेट करते थे, जैसे कि आपने CSS में देखा होगा। ये सारी प्रॉपर्टी CSS में यूज़ हुए, जो आप बूस्टर में देख रहे हो वो सारी प्रॉपर्टी यूज़ हुए। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत कम वर्ड या फिर कह सकते हो, सॉरी, बहुत एक क्लास बना हुआ है, क्लास सिर्फ यूज़ करेंगे तो अंदर की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक काम कर जाएगी। वो बूस्टर ने बना के रखा है क्लास, ठीक है, तो वही क्लास ही यूज़ करना है जो ऑलरेडी बूस्टर ने दी हुए है कि भाई ये यूज़ करो तो आपका काम हो जाएगा जो आप चाहते हो, बस वही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं m यूज़ करते हैं तो फॉर क्लास द सेट मार्जिन, सिर्फ m यूज़ करते हैं तो सेट मार्जिन के लिए होता है। p यूज़ करते हैं तो पेडिंग के लिए, मतलब फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्जिन के लिए m, मार्जिन का m और पेडिंग का p, ठीक है। सेम t फॉर क्लासेस द सेट मार्जिन टॉप पेडिंग टॉप, यहाँ पे सिर्फ t यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्जिन टॉप यानी कि टॉप एंड पेडिंग टॉप दोनों यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बट सपोज b यूज़ करते हैं तो ये मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन सॉरी पेडिंग बॉटम दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। b ध्यान रखिए कि क्लास सिर्फ क्लास है, ये इतना ही यूज़ करना और बाकी का काम ये कर देगा, ठीक है। मतलब थोड़ा आपको लिखना होगा कितना करना है, 4-5 ये सब कुछ, ठीक है, ऐड करके डेस करके, बट वो बाद में देखेंगे जब प्रैक्टिकली करते हैं। बट थोड़ा थ्योरिकल समझ लीजिए कि एक्चुअली यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ होता है, किसके लिए क्या यूज़ होता है। एस स्टार्ट फॉर द क्लासेज द सेट मार्जिन लेफ्ट, स्टार्ट मीन स्टार्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट होता है डिवाइस के हिसाब से राइट होगा लेकिन हमारे हिसाब से लेफ्ट होगा। तो पैडिंग भी लेफ्ट, LTR जैसे मैंने LTR कैसे और RTR कैसे वो मैंने पहले भी दिखाया CSS में, जिसमें मार्जिन राइट और पैडिंग राइट इन RTR, मतलब ये इस तरह से यूज होता है, मार्जिन राइट एंड पैडिंग राइट, ये इस तरह से, ठीक है। और E मीन्स एंड, लास्ट से यहाँ पे क्लासेस यूज होते जिसमें मार्जिन राइट एंड पैडिंग राइट LTR एंड मार्जिन लेफ्ट और पैडिंग RTR, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखे, ये ऊपर मैं थोड़ा समझाना भूल चुका, ये RTR और ये LTR दोनों में किस तरह से यूज होता है वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे x सेट फॉर क्लासेस द सेट बॉट लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे माइनस करता है x एक्सिस कह सकते हो, और y एक्सिस फॉर द सेट बॉट द टॉप एंड बॉटम, ऑब्वियसली टॉप एंड बॉटम इस तरह y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ठीक है। ब्लैंक है फॉर क्लासेस सेट द मार्जिन पेडिंग और फॉर साइड इन द एलिमेंट, मतलब चारों साइड आपको एलिमेंट के चारों साइड आपको मार्जिन पेडिंग लगाना है तो ब्लैंक आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर द क्लासेस सेट मार्जिन पेडिंग ऑन द फॉर साइड, ओके राइट, सही वही, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड नंबर भी दिए, जिसमें 0 फॉर क्लासेस द एलिमेंट मार्जिन पेडिंग बाय सेटिंग इट 0, मतलब कि 0 यूज करते हैं तो एलिमिनेट करता है मार्जिन एंड पेडिंग बाय सेटिंग इट टू 0, मतलब कि 0 को एलिमिनेट करता है। बट सपोज 1 यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट 1 यूज करते फॉर क्लासेस सेट द मार्जिन पेडिंग टू, ये स्पेशल ध्यान रखिए कितना स्पेस देता है, ये ध्यान रखिए ये स्पेशल यूज किया है 0.25 आप यहाँ पे यूज़ करें, 2 यूज़ करते हैं तो 0.5 यूज़ करता है, 3 यूज़ करते हैं तो ये इसमें कुछ लिखा नहीं गया, सॉरी ये 1 होगा राइट, ये 1 यहाँ पे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, निकल चुका। 4 होगा, 4 आप लगाते हैं तो फिर 1.5 ये इसके साथ जोड़ रहा है, ठीक है, ये m 0 m 1 p ये मतलब इसके बाद में जैसे बताया कोई नंबर ऐड करना होगा तो वही ये सारे नंबर है, ठीक है। तो 4 देते हैं तो 1.5 स्पेस देगा, और 5 होगा तो 3 का स्पेस देगा, ऑटो होगा तो सेट मार्जिन ऑटो, मतलब अपने हिसाब सेट कर देगा जिस हिसाब से वहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल आप करो उस हिसाब, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, m 3 तो ऑब्वियसली 5 आपको लगाना पड़ेगा, 3 का मार्जिन देना है तो फ्री 5 लगाना पड़ेगा नंबर यूज़ करें,
पी फॉर यूज करेंगे तो 1.5 की स्पेस आ जाएगी। तो ये स्पेस इस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको मैं जब यूज़ करूँगा आगे वाले आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल में, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टेबल होगा और इमेज होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा पार्ट, तो देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल उस टाइम करेंगे, अभी नहीं करते। लेकिन जो जंबोट्रॉन है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। जंबोट्रॉन कैसे यूज़ करना है, एक्चुअली इसका इतना अस्तित्व रहा नहीं है इस टाइम, क्यों? क्योंकि ये अभी आप CSS से भी यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे खास है, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जंबोट्रॉन एक्चुअली काम कैसे करता है वो भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रैक्टिकल में और यहाँ से जंबोट्रॉन क्रिएट। जंबोट्रॉन का मतलब क्या आता है कि स्पेसिफिक आपको कोई कंटेंट दिखाना है वेबसाइट में किसी अलग कलर में, तो भी जंबोट्रॉन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस वही चीज़ है जो कि अभी BS5 में ये निकल चुका है। बट यहाँ पे क्या कैसे यूज़ करना वो भी तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपको चाहिए यहाँ पे BS4 या BS3 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी तो जंबोट्रॉन है सपोर्ट करता है, तो फिर वो भी जानना जरूरी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। ओके, यहाँ पे दो मैंने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं। एक डिव ले लेते हैं सिंपल सा डिव, और यहाँ पे इसमें जंबोट्रॉन यूज़ करते हैं। पहले तो आप H1 में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, H1 में डाल देता हूँ जंबोट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद पैराग्राफ यूज़ कर लेंगे, इसमें कुछ पैराग्राफ डाल लेते हैं। तो पैराग्राफ में हम लोरेम का यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देते हैं, लोरेम इप्सम का, ठीक है। ये पैराग्राफ बन चुका और जिसमें देख सकते हो जंबोट्रॉन एंड लोरेम। बट इससे पहले हमें बूटस्ट्रैप को लिंक करना पड़ेगा। सो गाइस, सीरियल लिंक पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह, ठीक है। मैंने थोड़ा पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में दिखा दिया। तो यहाँ पे जंबोट्रॉन कैसे यूज़ करते हैं, ये डिव को थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लग रहा है, खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, मतलब और अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, मतलब बुरा वाला वो वाला नहीं, मतलब बेकार सा लग रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे मैं लिंक किया तो ये टेक्स्ट भी चेंज हो चुके। अब मैं इसमें क्लास यूज़ करता हूँ, ठीक है। सपोज क्लास क्या यूज़ करते हैं, मतलब इसमें डिजाइनिंग करते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। सपोज मैं इसको थोड़ा मार्जिन पेनिंग दे रहा था, जो भी मैंने थोड़ा समझा वैसे, जैसे कि मैं एम्प्टी मार्जिन टॉप, तो उसमें 5 पिक्सल 4 पिक्सल जो आपको देना, बट इसके लिए आपको क्लास भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास डिव के अंदर यूज़ करना, ठीक है। पूरा डिव में किसका रहे, ठीक है। तो एम्प्टी मार्जिन टॉप, और मैं यहाँ डाल देता हूँ कुछ 4 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक है। और पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग के लिए सिंपल सा पेडिंग यूज़ करेंगे, और इसमें भी कुछ 5 पिक्सल डाल देता हूँ, 5 पिक्सल मीन्स नंबर जो यूज़ करा है वही, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये वाला नंबर, ठीक है, और इस हिसाब से स्पेस लेगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, और क्लास लगाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए मार्जिन टॉप, टॉप में से ऊपर 4th का आ चुका स्पेसिंग, और पेडिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अंदर से मतलब स्पेडिंग हुआ, ठीक है। तो ये हो चुका। अब सपोज मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो ऑब्वियसली बीजी कलर यूज़ करिए, बीजी, और बीजी कलर में आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, सक्सेस यूज़ करना चाहता हो, चलो ठीक है, तो सक्सेस कंट्रोल एस करते, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका सक्सेस। लेकिन टेक्स्ट कलर का प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट कलर के लिए क्या लगाए, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए हम लगाते हैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें, प्राइमरी, मुझे नहीं लगता प्राइमरी अच्छा लगे, देख लेते एक बार कंफर्मेशन के लिए, तो प्राइमरी नहीं लगता अच्छा, तो कोई और लगाना पड़ेगा, डार्क के साथ ब्लैक, शायद ब्लैक भी अच्छा नहीं लगा ना, ब्लैक तो ये दिख रहा है, वाइट, वाइट कंट्रोल एस, तो वाइट तो ऑब्वियसली सही लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन चुका, ठीक है। और थोड़ा जूम करके दिखा दे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब आप अपने हिसाब जैसे करना वैसे कर सकते हो, ठीक है। टैक्स अलाइन सेंटर कर सकते हो, जो भी आपको करना है वैसे, ठीक है। तो टैक्स सेंटर, तो यहाँ पे ठीक है सेंटर में जा चुका, जो कि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ये यूज़ कर रखी, मतलब सॉरी क्लास यूज़ कर रखा है। तो इस तरह से आप सेंटर भी लगा सकते हो, मतलब ये तो मैंने बेसिक दिखा, बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर ये सब कुछ लिखना तो नहीं पड़ा, कहीं पे इसका क्लास नहीं लेना पड़ा, फिर आपको अलग प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ी, बस सिंपल सा टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख दिया, काम हो चुका सेंटर। टेक्स्ट वाइट लिख लिया, वाइट हो चुका। टेक्स्ट बोल्ड आप वो भी कर सकते हो, बीजी का सक्सेस आप वो भी कर सकते हो, सपोज सक्सेस की जगह मैं प्राइमरी यूज़ कर दूँ, ठीक है, प्राइमरी का अच्छा कलर रहता है इसमें, ठीक है। तो प्राइमरी कंट्रोल एस, तो प्राइमरी हो जाएगा, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइमरी कंट्रोल एस, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी एक जंबोट्रॉन में बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, वाइट कलर, मतलब ये सारी क्लासेस इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बट जंबोट्रॉन एक्चुअली मतलब ये है, जंबोट्रॉन का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक आप कंटेंट अलग दिखाना है वेबसाइट में, आपका कुछ कलर अलग हो और स्पेसिफिक कलर देके आप अलग इन्फॉर्मेशन देना शेयर करना चाहते हो, और या फिर कोई ऑफर वगैरह हो, ठीक है, तो लगाना चाहते हो लगा सकते हो जंबोट्रॉन का, बट इतना इंपॉर्टेंट आजकल नहीं देता, बहुत सारे अच्छे खासे और भी फीचर्स है, और भी CSS लगा के आप अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बाकी तो आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई मना तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है, और होप सो समझ में आ चुका होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले टाइम में रहेगी, और जंबोट्रॉन का मैं दिखा दिया। तो होप सो आज का वीडियो पसंद, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।